टैंक करवा लिया है हमने फुल इस जिमनी का, और ये है मारुति सुजुकी जिमनी का मैनुअल वेरिएंट। अब इस गाड़ी को हम चलाने वाले हैं अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास। मैं आपको ओडो दिखा देता हूँ, ओडो कितना है इस गाड़ी का। तो यहाँ पे ओडो है 234, ट्रिप ए जीरो कर दी है, ट्रिप भी हमने जीरो कर दी है गाड़ी की, और बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। अच्छा, इस गाड़ी की काफ़ी सारी वीडियोज आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऑफ रोडिंग से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो वीडियोज भी, और डिटेल्ड रिव्यू भी आने वाला है इस गाड़ी का। और दोस्तों, अब मैं गाड़ी को लेकर निकला हूँ देहरादून से दिल्ली की तरफ। 150 किलोमीटर के आसपास हम चला पाएंगे। और डायनामिक्स की बात कर लेते हैं पहले, तो डायनामिक्स में एक आपको स्टेयरिंग से थोड़ी सी शिकायत होने वाली है कि एक तो काफ़ी बार टर्न करना पड़ता है, थोड़ी सी भी गाड़ी को मोड़ना हो, यू टर्न वगैरह करना हो तो काफ़ी बार आपको टर्न करना पड़ता है और काउंटिंग करनी पड़ती है। वो आपको एक आइडिया नहीं आता है कि इसकी जो टायर्स की पोजिशनिंग है वो कहाँ पर है। दूसरा, टर्निंग रेडियस 5.7 मीटर का टर्निंग रेडियस है। गाड़ी दिखने में काफ़ी छोटी है बट टर्निंग रेडियस काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा और अगर कम होता टर्निंग रेडियस और बेटर रहता। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में मिली है 210 मिलीमीटर की। बड़े बड़े ऑब्स्टेकल स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे तो कहीं टच होने के चांस ही नहीं गाड़ी के। और रिवर वगैरह के अंदर से भी मैंने गाड़ी को निकाला है, तो नाला जो होता है ना, बरसाती नाला बच जाता है, नदी तो अभी सूखी हुई है, उसके अंदर से भी गाड़ी आराम से निकल कर आई है। एक इसका जो बॉडी वेट है ना वो 1210 केजी के आसपास है, तो वहाँ पर भी आपको गाड़ी एक प्लांटेड ड्राइव ऑफर कर देती है। ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, फ्रंट विंड स्क्रीन बिल्कुल इसमें खड़ी है तो आपको एक अच्छा व्यू मिल जाता है, बोनट पूरा दिखाई देता है, साइड का व्यू अच्छा है, साइड में जो क्लैडिंग्स हैं वो आपको ORVM के अंदर से दिखाई देंगे, काफ़ी बाहर तक निकली हुई हैं। और चलाते समय आपको फील नहीं होता कि आप बहुत ही कॉम्पैक्ट गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, हालांकि चार लोग ही बैठ पाएंगे कंफर्टेबली, क्योंकि बहुत ज़्यादा विड्थ नहीं है गाड़ी की, लंबाई गाड़ी की लगभग 4000 मिलीमीटर के आसपास है, तो वो ब्रेजा जितनी आपको मिलने वाली है। कॉर्नरिंग पे फन है, हाँ स्टेयरिंग में एक जो कमी है वो मैंने आपको बताया कि आपको ज़्यादा घुमाना पड़ता है, बट वेट काफ़ी अच्छा है इसके अंदर बाकी मारुति गाड़ियों के कंपैरिजन में। आपको यहाँ पे एक SUV वाली, जो प्रॉपर SUV वाली फील है ना, वो आने वाली है इसकी स्टेयरिंग से। थोड़ा सा हार्डर साइड रखा गया है, वेट ज़्यादा डाला गया है, कम स्पीड के अंदर भी आपको हैवी फील होता है, और थोड़ी अगर आप स्पीड इंक्रीज़ करते हैं तब भी आपको लगभग उतना ही वेट फील होने वाला है इसके अंदर। ब्रेकिंग भी अच्छी है, हालाँकि पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ ड्रम मिलते हैं, बट फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, बट ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। टायर की साइज़ 15 इंच होने के बावजूद ऑफ रोडिंग करते समय मैं आपको बता रहा हूँ, हाईवे टेरेन टायर्स डले गाड़ी के अंदर, किसी भी ऑब्स्टेकल के ऊपर ना ऐसा फील नहीं हुआ कि यार इसमें ओल्ड टेरेन टायर्स या जो ऑफ रोडिंग वाले जो टायर्स होते हैं वो होते तो शायद ये ऑब्स्टेकल गाड़ी पार कर पाती। हार्डकोर अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो वहाँ तो ये गाड़ी आपको भरपूर फीचर्स ऑफर कर देती है। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP जैसे सारे फीचर्स दिए गए हैं, सनरूफ जैसे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर। और दो ही वेरिएंट हैं, जेटावा और अल्फा, इसमें आपको सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट नहीं मिलेगा। तो कीमत का आप एक अनुमान लेके चलिएगा कि 15-16 लाख रुपए के आसपास तो कॉस्ट करने वाली है ये गाड़ी। परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ, 1.5 लीटर का इंजन है, काफ़ी साइलेंट है, स्मूथ है, बट गेयरबॉक्स आपको थोड़ा सा अलग फील होने वाला है, क्योंकि अगर आपने ब्रेजा चलाई है या ग्रैंड विटारा चलाई तो उसके कंपैरिजन में आपको गेयरबॉक्स फील होगा, हल्की फुल्की वाइब्रेशंस भी फील होने वाली हैं, वो जैसे फॉर्चुनर या इनोवा जैसी मैनुअल गाड़ियों का आप स्टार्ट करते हैं तो पूरा गियर मिलता है ना, वो आपको यहाँ पे भी जिमनी के अंदर दिखाई देने वाला है। जिप्सी की झलक आपको दिखाई देने वाली है इसके स्पीडो कंसोल के ऊपर, जो दो ये बड़े बड़े स्क्वेरिस इसमें लगाए गए हैं एलिमेंट्स, हालांकि यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश जरूर दिखाई देने वाली है जो आपको जिप्सी में नहीं दिखती थी। प्लेटफॉर्म सेम वही जिप्सी वाला ही डिराइव्ड है और लैडर फ्रेम सेसिस के ऊपर ये गाड़ी बनाई गई है। परफॉर्मेंस में और मैं बात करूँ तो मैनुअल मुझे काफ़ी अच्छा लगा ऑटोमेटिक के मुकाबले, हालांकि ऑटोमेटिक भी काफ़ी स्मूथ है। ऑफ रोडिंग करते समय मैनुअल कहीं ना कहीं एक एडवांटेज तो रहता ही है कि ऑफ रोडिंग करते समय एक ज़्यादा अच्छा कंट्रोल रहता है, और अगर आपकी गाड़ी खरीदने की प्लानिंग है जिसका बजट आपका लगभग 15-16 लाख रुपये के आसपास है, थार कहीं ना कहीं आप अवॉइड कर रहे थे क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं थी, एक लाइफस्टाइल व्हीकल है वो, थोड़ा सा कॉस्टली भी है, गाड़ी बड़ी है, माइलेज उतनी अच्छी नहीं मिलती आपको, पेट्रोल में 9-10 के आसपास की माइलेज मिलती है। इस गाड़ी के अंदर वो सारी कमियां दूर की गई, आपको अच्छी माइलेज भी मिल जाएगी, आपको अच्छा बूट स्पेस भी मिल जाएगा, उसके अलावा आपको पीछे बैठने के लिए आप सीट फोल्ड करके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, पीछे भी दो दरवाजे गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, तो फैमिली में अगर मम्मी पापा हैं तो उनको वो दिक्कत नहीं आती जो थार के अंदर आती है उनको बैठते समय, और वो जो डांट सुनने को मिलती है ना हर बार, वो आपको जिमनी में सुनने को नहीं मिलेगी। अच्छा, जो पूरा का पूरा माइलेज टेस्ट है ये हम कर रहे हैं 2H के अंदर,
4H करके हाईवे पे या सिटी के अंदर गाड़ी को ड्राइव करके कोई फ़ायदा नहीं है, और माइलेज निकालने का भी कोई उसमें फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको 4H पे नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ टू व्हील पे निकाल रहा हूँ। माइलेज की अगर आप नॉर्मली चलाते हैं तो क्या माइलेज देगी, हालांकि अगर आप कहें कि ऑफ रोडिंग में क्या माइलेज देती है, तो स्पीडो के हिसाब से 8 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज निकली है सुबह से, जब से हमने इसकी ऑफ रोडिंग चालू करी है और इसको काफ़ी चलाया है उल्टे सीधे रास्ते के ऊपर, काफ़ी देर गाड़ी स्टार्ट भी खड़ी रही है, तो 7-8 के आसपास की माइलेज निकल कर आई है ऑफ रोडिंग करते समय। 4H के ऊपर या 4L के ऊपर गाड़ी चली है सारी की सारी ऑफ रोडिंग में, 2H मैंने अब हाईवे के ऊपर से फ्यूल डलवाने के बाद शिफ्ट किया है गाड़ी को। रात को ड्राइव करते समय ना आपको एक दिक्कत का और सामना करना पड़ेगा कि इसकी जो हेडलाइट्स हैं उसमें कॉर्नरिंग फंक्शन नहीं है, और एडवेंचर सीकर्स के लिए ना ये वाला जो पर्टिकुलर फीचर है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप रात को काफ़ी ड्राइव करते हैं, पहाड़ी रास्ते पर ड्राइव करते हैं, तो वहाँ पर हेडलाइट्स के अंदर कॉर्नरिंग फंक्शन हो तो काफ़ी सेफ हो जाती है रात की ड्राइव। तो गाड़ी चली है 111.4 किलोमीटर, मैं आपको ऑडो अगर दिखाऊं यहाँ पर 345 इसका ऑडो है। अब 111 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी ने कितना फ्यूल लिया वो भी हम देख लेते हैं, और मैं आपको फिर बताता हूँ सारी कमियाँ और जो जो अच्छी बात लगी मुझे इस गाड़ी की उसके बारे में, मैं फुल कर देना। तो यहाँ पर जो फ्यूल लिया है वो लिया है 7.03, और अगर आप यहाँ देखें ₹15.84 की माइलेज आई। मैं गाड़ी को साइड कर लेता हूँ फिर बाकी की बात करेंगे हम। अच्छा, जो माइलेज टेस्ट हमने किया है ये देहरादून से टूवर्ड्स दिल्ली किया है, इसमें 111 किलोमीटर में तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास सिटी ट्रैफिक कंडीशंस के अंदर, और बाकी जो 70 किलोमीटर्स है वो हाईवे के ऊपर किया। हाईवे पे एवरेज स्पीड गाड़ी का 80-85 के आसपास रहा है, और सिटी में बम्पर टू बम्पर गाड़ी को हमने काफ़ी ड्राइव किया है। तो जो दो तीन कमियां आपको लगने वाली हैं, एक तो इसमें जो टेल लाइट है वो नीचे है काफ़ी, अगर इस जगह भी थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह होती तो एक रात को पीछे से एक अच्छी विजिबिलिटी आ जाती। दूसरी कमी जो मुझे लगी, ये जो ग्लास है ना इसका, ये काफ़ी छोटा है, मतलब ग्लास वैसे तो बड़ा है बट पावर विंडो के साथ में जो कंट्रोल होता है ना ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तीसरी कमी जो मुझे लगी, ये मुझे गाड़ी लगानी होगी रिवर्स में, और जैसे मैं रिवर्स में लगाऊंगा आपको दिखाई देने वाला है। कैमरा क्वालिटी बिल्कुल एक चाइनीज जो कैमरा आते हैं ना लो क्वालिटी के वो वाले हैं, मतलब आपको पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देगा ढंग से। तो ये चार कमियाँ बड़ी बड़ी मुझे नज़र आई। पाँचवीं है कि बहुत लंबी ड्राइव पर जाएंगे तो सीट थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल है, बट वो यूज़ टू होने में हो सकता है टाइम लगे। और जो बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का, ये प्रैक्टिकल है, आप इसको एज एन डेली यूज़ भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ आउटिंग भी कर सकते हैं, एडवेंचरस ट्रिप भी कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, सामान कैरी कर सकते हैं, अच्छा खासा बूट स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। ये साइज का बूट स्पेस आपको यहाँ मिलने वाला है, मैं आपको दिखाऊँ तो इस साइज़ का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिला है गाड़ी के अंदर, कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो बैठ के जाना पड़े बैठ के जा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप जिमनी की काफ़ी सारी वीडियोस देखने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेते हैं विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।